हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, अभी जो फ्रिल साड़ी है, मतलब जो रफल साड़ी है, उनकी बहुत ज़्यादा चलन है, मतलब बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी एक जो फ्रिल साड़ी है वो लेनी चाहिए। फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया एंड वो जो साड़ी है वो आ गई है। ये साड़ी मैंने मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, तो ये जो साड़ी है वो मुझे रिसीव हो गई है। देखने में कैसी है, कितने की है, कैसा कलर है एंड जैसी देखी थी सेम वैसी है या नहीं है, सारे सवालों के जवाब दूंगी आज के वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें एंड आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं जो मैंने फ्रिल साड़ी, जो रफल साड़ी मंगवाई थी वो कैसी है। तो दोस्तों, ये जो साड़ी है वो मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ रिसीव हुई है एंड कुछ इस तरीके का ये जो बिल है वो यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि अंदर मुझे कोई भी बिल नहीं मिला है। तो अब आइए इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये जो साड़ी है वो कैसी है। तो ये रही वो साड़ी एंड ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मॉडल को कुछ इस तरीके से पहना रखे हैं, मतलब जो मॉडल है उसकी जो पिक है वो इन्होंने लगा के दी हुई है ताकि समझने में, जो डिज़ाइन है वो समझने में आसानी है। तो जो मॉडल है वो तो अच्छी लग रही है, फाइनली उसके ऊपर तो अच्छी लग रही है, मेरे ऊपर अच्छी लगेगी नहीं लगेगी वो तो आप ही लोग बताएंगे। पर अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये रही वो साड़ी एंड कुछ इस तरीके का जो कलर है वो इसमें दिया गया है। मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर करी थी, देन मुझे ब्लैक कलर रिसीव हुई है एंड ये जो है वो इसका पल्लू वाला पार्ट है। तो अब हम इस साड़ी को पूरा ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये जो साड़ी है जो दिखाई गई थी सेम मुझे वैसी मिली है या नहीं मिली है। तो दोस्तों, हम इस साड़ी को कर लेते हैं एकदम से ओपन। तो ये जो साड़ी है ये मैंने कर दी है ओपन एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पल्लू वाले भाग की। तो जो पल्लू है उसका वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, मतलब इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके के जो इसका पल्लू है वो दिया गया है एंड पल्लू के चारों तरफ से ये सीक्वेंस का जो काम है, जो सितारे हैं वो लगा के दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे से स्टिच करके दिए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो सितारे हैं अगर आप इसको वियर करेंगे तो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डबल जो सिलाई है वो करके दी गई है कुछ इस तरीके से, तो इसमें सितारे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से टक्कर के दिए गए हैं। मतलब मिरर बिल्कुल भी नहीं है, ये सितारे ही हैं एंड सितारे को बहुत ही अच्छे से टकन किया गया है, ये बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं चारों तरीके से एंड चारों तरफ से इन सितारों को बहुत ही अच्छे से टक्कर के दिया गया है। एंड यहाँ पे ये जो कलर है वो कुछ गोल्डन गोल्डन टाइप में दिया गया है एंड ये जो बॉर्डर है ये ब्लैक कलर का दिया गया है, ब्लैक कलर में ये वाइट कलर का जो सीक्वेंस है उसका काम दिया गया है। एंड पल्लू ये जो है ये यहाँ तक है एंड इस पल्लू में कोई भी फ्रिल वगैरह नहीं लगी हुई है एंड ये जो पल्लू है वो एकदम से प्लेन पल्लू है। एंड ये जो साड़ी है अब इस तरीके से कुछ पल्लू के बगल से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये जो नीचे है वो कुछ इस तरीके से डबल फ्रिल में दी गई है कुछ इस तरीके से एंड इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी सीक्वेंस का जो काम है, बॉर्डर है ब्लैक कलर का, उसमें सीक्वेंस का जो काम है वो दिया गया है। तो बाकी साड़ी में डबल जो फ्रिल है वो लगी हुई है कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। तो पल्लू में नहीं है, बाकी जो पट्टी वाला पार्ट आता है बस उसी पार्ट में जो फ्रिल है वो लगा के दी गई है कुछ इस तरीके से। एंड दोस्तों, ये जो हम राउंड करते हैं वो एकदम से सिंपल है, इसमें कोई भी फ्रिल नहीं लगा के दी गई है, केवल जो पट्टी है उसमें ही फ्रिल लगाई गई है। तो जो पूरी साड़ी है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, मतलब जो पल्लू है उसमें कुछ भी नहीं है, एक भी फ्रिल नहीं लगा हुआ है, एकदम से जो प्लेन वो पल्लू है। एंड जहाँ पर हम एक राउंड मारते हैं साड़ी का वो भी एकदम से प्लेन है और बाकी जो हम पट्टी बनाते हैं उन पट्टियों में पूरे में डबल फ्रिल
दी गई है। अब हम इसके ब्लाउज की बात कर लेते हैं, तो इसी में स्टिच करके दिया गया है, मतलब इसी में लगा हुआ ये जो ब्लाउज है वो आपको स्टिच अलग से करवाना पड़ेगा, इसी में ज्वाइंट करके दिया गया है ये ब्लाउज। एंड ब्लाउज में भी ये देखिए, ब्लाउज में भी सीक्वेंस का जो काम है वो दिया गया है एंड कुछ इस तरीके से। तो जो ब्लाउज का कपड़ा है वो थोड़ा सा सिल्क टाइप में लग रहा है, मतलब ये लैकरा बिल्कुल भी नहीं है, और जो साड़ी का क्लॉथ मटेरियल है वो है लैकरा, तो लैकरा की है ये साड़ी। एंड ये जो इसका ब्लाउज है वो थोड़ा सा सिल्क टाइप में लग रहा है एंड एकदम से सॉफ्ट कपड़ा है जो इसका लैकरा कपड़ा है। एंड दोस्तों ये थोड़ा सा पतला मुझे लग रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से, तो लैकरा है इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पतला लग रहा है, पर हम इसको वियर करेंगे क्योंकि फ्रिल है नीचे से, डबल फ्रिल दी गई है। एंड जो पल्लू है वो थोड़ा सा कलर जो उसका है वो थोड़ा सा अलग दिया गया है गोल्डन में, तो ये ज़्यादा पतली नहीं लगेगी, लेकिन ऐसे में ये साड़ी जो है वो थोड़ी सी पतली लग रही है। अराउंड आपको वीडियो में बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो ये ऐसे देखने से थोड़ी सी पतली लग रही है। ये जो साड़ी है इसकी जो लंबाई है वो फुल लेंथ है, मतलब कोई भी छोटी साड़ी नहीं है। एंड ब्लाउज पीस भी है वो भी अराउंड 1 मीटर का दिया गया है, तो ब्लाउज भी छोटा नहीं है एंड जो साड़ी है वो भी छोटी नहीं है। तो दोस्तों अब इसके रेट की बात कर लेते हैं, तो इसका जो रेट है वो है 486 रुपये, मतलब 486 रुपये की ये जो साड़ी है वो मुझे रिसीव हुई है, तो पैसे के हिसाब से ठीक है बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले बोल रही हूँ कि ओके टाइप मुझे लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है ये साड़ी। अगर आप अराउंड 400 से 500 के बीच में साड़ी, कोई जो रफल साड़ी है, जो फ्रिल साड़ी अगर लेना चाहते हैं तब आप इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन इसके जो माइनस पॉइंट है वो ये थोड़ी सी हल्की साड़ी है, मतलब थोड़ी सी पतली, थोड़ी सी ये देखिए थोड़ी सी पतली ज़्यादा है। एंड इसका जो फ्रिल है वो केवल पट्टी में लगा के दिया गया है, कोई भी पल्लू में इसका जो फ्रिल है वो लगा के नहीं दिया गया है, ये इसका माइनस पॉइंट है। एंड ठीक ठाक है साड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है। अगर आप इस साड़ी को लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे इसके बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं एंड अभी छूट चल रही है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अब आइए इस साड़ी को वियर करके देख लेते हैं कि ये जो साड़ी है वियर करने के बाद कैसी लग रही है। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो साड़ी है वो कुछ इस तरीके से लग रही थी। पर्सनली आपको ये साड़ी कैसी लगी एंड मेरे ऊपर कैसी लग रही है आप वो बताना मुझे बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।